बागवानगर के नाम से वही मेरे पे कॉलेज है, वही सेना की छावनी है। तो हमारा एक मूल गुण रहा है भात्री का गुण। बहुत सारी कथा भागवतों में पिछले मेरे जाने का मौका मिला, डेंडल में भी गए, भाई साहब के भी गांव गए, और अब तो ऐसी बात कह रही है कि जितने यज्ञ और हवन पूजन करते हैं इनका ये दूसरा गुण है कि ये बड़े धर्मात्मक हैं। कोई भी इनसे कह दे कि बाबा धर्म के नाम पर इतना खर्च करना है तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। पर मैं एक जगह एक यजमान से पूछ रहा था, जो कथावाचक था उससे पूछ रहा था, आप ये भागवत वेद पढ़ते हो, वेद चार होते हैं, वेदों की माता किसको बोला गया है? तो खुद व्यास गद्दी के मालिक बोले वेदों की माता गायत्री गुंदरी है, जो चेची गौतम की गुंदरी है, जो पुष्कर की रहने वाली कन्या थी, जिसको ब्रह्मा बाबा ने अपने पत्नी का दर्जा दिया। मैं इन माताओं को सुनाना ये चाह रहा हूँ कि आप भी बहुत पूजनीय है, अपने उस इतिहास को अगर याद कर लें और इस धर्म का दशांश भी यानी 100 रुपए में से 10 रुपया भी अपनी बेटियों को वैसा ही देवी तुल्य कन्या मान के खर्चा करने लग जाएं, तो दोस्तों कोई ऐसा दिन नहीं कि आज राजस्थान में 4 जिलों ने आपकी कन्याओं को टॉपर दिया है ना। देवरेन की तमन्ना हो जाए, जोधपुर की लड़की हो, 4 बेटियों ने 98% लाके सारे दादा नानाओं का सीना उसमें किया है ना।